हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाटर कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद GTFM इन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFM मेन फोल्डर ओपन करने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ गए। आने के बाद यहाँ आर्डेन टक का एक फोल्डर दिख रहा है ना, इसको GTFM DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको पिन कीजिए। पिन करने के बाद यहाँ आइटम DLC पैक्स आर्डेन टक का आइटम दिख रहा है ना, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को पिन कीजिए। ओपन है भी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मोड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट RPF कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिख XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए, उसके बाद सेव कीजिए। बस दोस्तों, इतना ही आपको करने का। चलो GTFM ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFM ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज कर सकते हो। यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा ARDEN TAQ, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो वाटर कार आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पानी में जाने के बाद इसका इंटीरियर भी देख नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कार सिर्फ पानी में ही चलेगी। मैं आपको इसका नाइट का लुक भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।